प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल ही वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछा जाएगा। तो देखिएगा, आपका विषय कोड यदि प्रथम पाली में एग्ज़ाम देने जाओगे तो विषय कोड 112 रहेगा। सेकेंड पाली में यदि एग्ज़ाम देने आप लोग जाते हो तो आप लोगों का विषय कोड जो है ना 212 रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। देखिएगा, टाइम 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा, टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। और बिल्कुल ही जो है हम लोग जो है प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं ना, सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो पूरा एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोगों को याद कर लेना है। इसका पीडीएफ वगैरह आप लोगों को इस नंबर पर मिलेगा। इस नंबर को आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, 9835516710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना है, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपका शाम में 6:30 बजे होता है डेली, तो उस टाइम आप लोग जरूर पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ये क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखना है ना। पहला क्वेश्चन बोला कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आपको याद रखना है कि वह वस्तु जहाँ प्रकाश निकलती है, यानी कि जहाँ जैसे कि सूरज है, सूरज से क्या होता है ऊर्जा निकलता है, आग, आग से क्या होता है ऊर्जा निकलता है ना। तो जहाँ से भी प्रकाश उत्पन्न होगा या उत्सर्जित मतलब उत्पन्न होना ही हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश स्रोत। अब जैसे कि जलता हुआ बल्ब से भी क्या होता है रोशनी निकलता है, जलता हुआ मोमबत्ती से भी रोशनी निकलता है, लैम्प से भी, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि। तो इस प्रकार से याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, दो नंबर ये बोला कि किरण कुंज किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है प्रकाश के किरणें के समूह को किरण कुंज या फिर प्रकाश कुंज कहते हैं। अब प्रकाश है, जैसे कि ये आपका सूर्य है, इधर से क्या हो रहा है बहुत सारा जो है ना प्यारे बच्चों प्रकाश निकल करके आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये सभी जो किरण एक साथ आता है सूर्य से निकल करके, इसी को कहा जाता है प्रकाश कुंज या किरण कुंज, है ना। तो एक चीज और याद रखना है, प्रकाश कुंज जो है तीन प्रकार की होती है। पहला होता है समांतर किरण कुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण कुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण कुंज। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तीन नंबर बोला गया प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ प्रकाश की किरणें निकल करके आंखों तक पहुँचती है, उसे ही प्रकाशीय जो है ना प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, है ना। जैसे कि डायरेक्ट क्या हुआ कि आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप पढ़ते हो ना, अभी पढ़ रहे हो फ़ोन में, आप लोग फ़ोन में देख रहे हो, तो हो क्या रहा है फ़ोन से जो किरण है निकल करके डायरेक्ट आप लोगों के जो है किस में जा रहा है, तो आप लोगों के आँख में पड़ रहा है ना, आप लोगों के आँख में जो पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कहेंगे प्रकाश या माध्यम, है ना। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है ना डायरेक्ट याद रख लेना। और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे आपके घर में अभी बल्ब जल रहा है, तो बल्ब का रोशनी वगैरह है, अगर मान लो आप बल्ब को देखना चाहते हो, है ना, दीवार पर जैसे रोशनी है, तो दीवार पर क्या हो रहा है डायरेक्ट दीवार पर टकरा रहा है, दीवार पर क्या हो रहा है रोशनी टकरा रहा है, वो रोशनी आपके आंख में आ रहा है, तब आप लोगों को दीवार दिख रहा है। तो ये बहुत सारा कारण होता है, बस आपको इतना याद रखना है ना। प्रकाशीय माध्यम के दो प्रकार होते हैं, पहला समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, 5 मार्क्स वाला में जब हम करवाएंगे 5 मार्क्स के लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 4 नंबर की, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो आपको याद होगा, अपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा होगा, प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। पहला होता है कौन सा नियम, तो पहला होता है पहले नियम के अनुसार आपतित किरण जो है परावर्तित किरण तथा आपतन किरण। देखिए आपतित किरण यहाँ तक हो जाएगा, और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही क्या होता है तल में होता है, ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम है कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, जैसे कि आई बराबर में क्या होता है आर होता है ना, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए आपतन कोण को जो है ना आई द्वारा सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को आर द्वारा, तो ये भी मैंने बता दिया, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन जो बोला गया
ये बोला काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए कहने का अर्थ हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का अर्थ हो जाता है जो या तो क्या हो बहुत बड़ा हो, है ना, या तो बहुत बड़ा हो या फिर जो उल्टा हो, या फिर जो है क्या हो उल्टा हो, ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। तो चलिए बताते हैं, किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई पड़ती, यानी कि मिलती नहीं बस पड़ती होती है, उस बिंदु को जो है ना वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कहने का अर्थ कल्पना किया जा सकता है। अब जैसे कि कह सकते हो उदाहरण के तौर पर काल्पनिक प्रतिबिंब जो सिर्फ आती हुई पड़ती, आप देखो जैसे कि सूर्य का प्रकाश है वो तो आ सच में रहा है, बट आप लोग जब आयना रख दो उसके सामने, मिरर को रख दो, तो वो लाइन वाइज आपको नहीं दिखता है। जैसे सूर्य बल्ब आपके घर में चल रहा है ना, तो इससे भी रोशनी निकल रहा है लेकिन लाइन वाइज तो नहीं दिख रहा है ना, बट आ रहा है, बट वही कहने का अर्थ हो गया है ना, वही कहने का अर्थ होगा। तो यही आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ये आपसे बोला गया कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है ना। तो चलिए बताते हैं आपको, इस प्रकार से पैराग्राफ जैसे बनाए बना लेना है और आपको लिखना है पहले वास्तविक प्रतिबिंब फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला में आपको लिखना है कि यह वास्तविक कटान से बनता है, दूसरा में लिखना है यह काल्पनिक कटान से बनता है। सिंपल सा इतना लिख लेना पहला पॉइंट में। दूसरा लिखना है कि यह हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक जो है यह हमेशा सीधा बनता है। और वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर हम लोग नहीं उतार सकते हैं। उसी प्रकार से वास्तविक जो है यह दर्पण के सामने बनता है लेकिन काल्पनिक जो दर्पण के पीछे बनता है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला गया है 7 नंबर की जो ना पार्श्व जो ना विपरिवर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व का अर्थ होता है पीछे, ठीक है ना, पीछे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना है ना, ये कहने का अर्थ हो गया। तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए, वैसे तो इंपॉर्टेंट है। देखिए यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के परिचय यानी कि 80 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया कि जैसे कि आपके घर में आयना होगा, आपने कभी गौर किया होगा, वो समतल दर्पण है जिसमें आप लोग फेस डेली देखते हो, वो आपका कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। उसमें आपने ये गौर नहीं किया होगा कि आप जब अपना फेस देखते हो तो आपका जैसे कि आप देखोगे उसमें गौर करोगे, जो आपका दायना बाँ है यानी दायना जो हाथ होगा, वो दायना वाला जो हाथ है वो आपका क्या बायां दिखाई देगा, आपको उल्टा दिखाई देगा। तो यही कहने का यहाँ पर अर्थ हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत आसान बोला कि गोलिया दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलिया दर्पण का अर्थ हो जाता है कि एक वृत्त है इसी में बनेगा गोलिया दर्पण, है ना, इस प्रकार से गोलिया दर्पण बनेगा, है ना। तो देखिए कहने का अर्थ होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो खोखले गोले भाग का हो उसे गोलिया दर्पण कहेंगे। कहने का अर्थ हो गया कि बीच में ढसा हुआ हो और बाहर उभरा हुआ हो, है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, ये अवतल दर्पण हो जाता है, ये उत्तल दर्पण हो जाता है, तो उसे कहेंगे हम लोग गोलिया दर्पण। तो ये गोलिया दर्पण मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, है ना। तो उत्तल दर्पण आपका इस प्रकार से है, अवतल दर्पण इस प्रकार से। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। आगे आप 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो देखो अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो जान लीजिए अवतल दर्पण के प्रधान के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जमा हो जाती है उसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा अर्थ होगा, इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर बोला जा रहा है 10 नंबर, बोला कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या, तो अपसारी दर्पण, है ना। तो बस सिंपल सा सब्जेक्टिव में याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष कौन सा है यहाँ पर, पी जो है यही प्रधान अक्ष है ना, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई कोई भी प्रकाश किरण, इधर से एक प्रकाश की किरण क्या हुई आई, इधर से आई पास कर गई, है ना। तो किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जो है ना फैलती हुई पड़ती थोड़े, ये बिंदु है, इस बिंदु यहाँ पर वो एक बिंदु बना, इधर से इधर बना, इधर से इधर किरण बना गया, इधर से इधर इतना फैल रहा है ना, तो ये जो फैलती हुई पड़ती थोड़े इसी को उत्तल दर्पण को अभिसार अपसार दर्पण भी कहेंगे। बस सिंपल सा इतना पॉइंट
बाकी आपको याद रखना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब आता है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे 4 मार्क्स से लेकर के जो है 4 मार्क्स नहीं 5 मार्क्स है ना, 5 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप लोगों को 3 पॉइंट लिखना है, अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो पूरा पॉइंट लिख देना है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है, तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, लिखना है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो पहला में पहला पॉइंट में उत्तल लिखना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धस्सा हो उसे कहेंगे अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में लिखना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ हो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। अब जो है अवतल दर्पण में लिखना है अवतल दर्पण की का फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक का मतलब माइनस में होगा, और अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक यानी कि प्लस में होगा, ये याद रखना। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा, और अवतल दर्पण में सीधा जो है अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जिसे हम लोग वास्तविक कहते हैं, और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये बोला कि आप लोगों को जो है ना उत्तल दर्पण में सीड करना है, तो ये सीड करने वाला है, थोड़ा इसे हम लोग छोड़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास जब लोग करेंगे तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे, है ना। तो फिलहाल हम लोग इतना ही करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और है सीड करने वाला, सिंपल सा है, सीड भी कर दिए हैं क्या, सीड तक नहीं किए हैं, इस प्रकार से छोटा सा है, इतना ही है, अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस दोनों क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, श्वेत प्रकाश 60 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा आप लोगों को समझाना है, तो लिखना है कि इस प्रयोग को करने के लिए जो है ना 2 प्रिज्म लेते हैं, है ना। प्रिज्म आप लोगों को पता होगा, प्रिज्म किस प्रकार का होता है, एक इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, है ना, तो इसमें इस प्रकार से किरण आती है, इधर से उधर घूम जाती है ना, मुड़ जाती है, तो ये इस प्रकार का हम लोग 2 किरण जो है ना ले लेंगे, है ना, आपको समझा दिया मैंने। अब चलो तो नीचे एक 2 लेंगे तो नीचे तो दूसरे को दूसरे का आधार तथा ऊपर ऊपर करते हैं जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है, चित्र में आपको यहाँ पर दे दिया, नॉर्मल सा आप चित्र नहीं भी लोगे तो चलेगा। पहले प्रिज्म जिसमें श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण 7 रंगों में बट जाता है, जब 7 रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है तो वह जो है ना एक बिंदु पर जमा हो जाती है और श्वेत प्रकाश दिखाई देती है, इस तरह से प्रयोग होता है और श्वेत प्रकाश का मिश्रण पता चलता है, बस सिंपल सा है। डायग्राम भी मैं बना देता हूँ, यहाँ पर ये डायग्राम है, इस प्रकार से मैं बड़ा ही बना देता हूँ, है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस प्रकार से प्रकाश की किरण घुस रही है, बस 7 रंगों का आपको मिश्रण जो है दिखा देना, बस इतना ही, इस प्रकार से डायग्राम बनाइए, इस पॉइंट को लिख दीजिए, हो गया आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर बताना, तो देखो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर लिखना है तो आपको डायग्राम बनाना है, उत्तल लेंस अवतल लेंस लिखना है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष भाग पतला हो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस, और अवतल लेंस में लिखना है वैसा लेंस जिसके शीर्ष का भाग जो है ना भाग पतला तथा मतलब कि बीच का भाग पतला और बीच जो है ना तथा शीर्ष का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहेंगे, और दूसरा पॉइंट में लिखना कि अब इसका फोकस दूरी है ना धनात्मक होती है, उत्तल लेंस का होता है धनात्मक यानी कि प्लस में, और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है माइनस में, सिंपल सा पॉइंट याद रखना। देखिए उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता जो है ना ये धनात्मक यानी कि धनात्मक होता है मतलब प्लस में होता है, और इसका ऋणात्मक, सिंपल सा, ये दोनों पॉइंट सेम ही है, इस दोनों को याद रखिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होगा कि उत्तल लेंस को अभी सारे लेंस भी कहा जाता है, आपने भी पढ़ा था ना, और अवतल लेंस को अब सारे लेंस, इतना ही तो आपको याद रखना, ज़्यादा कहाँ कुछ याद रखना। अब देखिए उत्तल लेंस को उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक बनता है, तो बस इतना ही था, बस इतना ही, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा, नंबर पे मैसेज करना इसका। फिलहाल मैं बताता हूँ कि बायरल पेपर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको जो है ना बायरल पेपर लेने के लिए गूगल वगैरह ओपन करना होगा, वहीं पर मिलेगा, तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो देख लीजिए और फिर आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। पेपर डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में सबसे पहले तो गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे जरूर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ही आप पहले मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर करिए, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से जो है ना स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आओगे ना तो आपके सामने क्लास 10th का सेशन देखने को मिलेगा, है ना। देखिए ये रहा क्लास 10th का सेशन, इसी में आपको मंथली एग्जाम का पेपर मिलता है, साथ में यहीं पे देखिएगा अभी सितंबर 1 का जो एग्जाम चल रहा है उसका भी आपका वायरल पेपर यहाँ पर मिल रहा है, और आपका कुछ ही दिन में यहीं पर अपडेट हो जाएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं डेली क्लास करते रहिए, मैं सब बताते रहूँगा, और आप यहाँ चेकआउट वगैरह करके जरूर करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।